ये दोनों कहीं बाहर ले जाने लायक ही नहीं। ऐसे ही पकड़े अनीता जी, एक तो लड्डू के भैया हमको कभी कहीं लेकर ही नहीं जाते हैं, और लेकर जाते हैं तो ये सब नाटक करते हैं। भैया जी, इनमें से दो सीट हमारी है। अच्छा, हाँ भैया, कहाँ जा रहे हो आप? जहाँ तक ये ट्रेन जाएगी वहीं तक जाएंगे भैया जी। अच्छा, मतलब नैनीताल जा रहे हो आप? भैया नई नई शादी हुई लगता है, हनीमून पे जा रहे हो? जी हम लोग कहाँ बैठे? कहीं भी बैठ जाओ, सारी जगह आपकी है, कहीं बैठ जाओ। अच्छा, यहाँ बैठ जाते हैं, आराम से बैठ जाओ। और ये टिकट ना पर्स में डाल लो। ले बेटा, ले बेटा, रख ले। धो लिए? हाँ धो लिया, मुँह धो लिया, और पानी बचा था पी लिया। हट, मैं घर में चला था। अरे ये कहाँ गए तिवारी जी, कहाँ गए? हो लिए? तालाब सूखा था बे। तो फिर मैनेज कैसे किए? कुछ नहीं, वहाँ गनीमत थी कि कुछ सूखे पत्ते पड़े थे। एक्सक्यूज मी, पत्तों से क्या रगड़ के आए आप? रगड़ के क्या यार, वो चप्पल में गंदगी लग गई थी। हाँ। सो गए तो देखा तालाब सूखा था, तो वो पत्तों से ही रगड़ के पोछ लिया। और क्या शर्तिया, भभूति जी ने हमारे खिलाफ कोई गेम खेला है। चल बेटा चल चल, रास्ते में कहीं रोक के ना पानी ले लेंगे। हाँ, वो जरूरत पड़ती रहेगी अब। सही है, चलो बेटा चलो। रुक 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 रुक, चल 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 चल, रुक 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 रुक, चल 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 चल। मास्टर जी, अजगर आ गया। अजगर। अच्छा, उतरो भाई उतरो, जा कहो को नाश्ता करना हो, चाय पीने हो, उतर जाओ, आ जाओ आ जाओ। अजगर आ गो, अजगर जल्दी से नीचे आ जाओ, अगला स्टेशन बहुत लंबा पड़ेगा। लौटो लौटो, सुनो यहाँ आसपास कोई बिजली का नंगा तार पड़ा है क्या? बहुत तेज सूख लगी है यार। अच्छा सक्सेना जी, और ऊपर देखो 10,000 वाट की तार लटक रही, जाके चिपक जाओ उसमें। आई लाइक इट। बेवकूफ आदमी, मरवर गो तो मुसीबत आ जाएगी। सारे जे पगलाइट है ना, बहुत मोटी चमड़ी को है, इतनी जल्दी ना मरेगो। अरे दादा, अरे हटो यार। ओ भैया, 2 मिनट रुकिए यार, बढ़िया चाय समोसा खिलवा दे यार। अरे रोक लगियो यार, ले आप पिलवा बढ़िया सी चाय। आहा, बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया। आज अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब पेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई। चल यहां से।
कभी कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं, ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।